दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तानसेन के मकबरे की, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हजीरा साइड स्थित है ये तानसेन का मकबरा। चले आइए हम बताते हैं आपको। तो तानसेन जी संगीत करते थे, जब दीप से दीप जल उठते थे और मल्हार राग से बारिश होने लगती थी। उनकी मधुर आवाज़ इमली के पेड़ जो लगा है वहाँ की पत्ती खाने से मधुर आवाज़ हो जाया करती थी। कहा जाता है कि 1586 में संगीत सम्राट तानसेन की मृत्यु आगरा में हो गई थी। और आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा वहू साहिब का कब्र, यहाँ तानसेन के। गाइस, तो ये है अपना तानसेन मकबरा का गेट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं आया हुआ हूँ तानसेन के मकबरा, यानी कि मोहम्मद गौस के मकबरा। यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आते हुए सुबह के टाइम पर। मेरे साथ में हैं नवीन भाई, अभी नवीन भाई भी पीछे चल रहे हैं मेरे। हे गाइस, तो मैं अभी आ चुका हूँ तानसेन के मकबरे के अंदर, और यहाँ पर ये पड़ता है मध्य प्रदेश की ग्वालियर में हजीरा के साइड पर ये तानसेन मकबरा जो आपको पीछे दिख रहा होगा। यहाँ कहा जाता है कि अकबर के नवरत्न में से एक मियाँ तानसेन 400 साल से यहाँ आराम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ दफन है। तो अकबर के मुताबिक 1562 से 1586 तक यहाँ अकबर में तानसेन संगीतकार थे। तानसेन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी संगीतकार थे खुद, और तानसेन को यहाँ ग्वालियर हरिदास के पास भेज दिया गया था, जिससे कि वो अपना शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, और यहाँ की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने भारत में यहाँ डंका भी बजा दिया। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये बनी है खिड़की, तानसेन की खिड़की ये बनी हुई है। यहाँ से धूप अंदर की ओर प्रवेश करती हवा, तो हवा का संचार भी और धूप का संचार भी यहाँ पर होता है। तानसेन मकबरे की खूबसूरती आप इतना देख सकते हो कि खूबसूरती यहाँ पर कितनी अच्छी बनी हुई है। जैसे कि आप तानसेन मकबरे से एंट्री करते हो तो आपको मिलेंगे ये चार खूबसूरत से पार्क, यहाँ पे टहल भी सकते हैं आप लोग। तो जो कि इंसान टहल भी रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी भीड़ आती है यहाँ पर, और खूबसूरत से यहाँ पार्क बने गए, और सफाई का पूरा पूरा ध्यान यहाँ भी रखा गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक में कितनी भीड़ आती है, और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बहुत भीड़ आती है। वहाँ पर भी दो साइड में आपको पार्क मिलेंगे, आप जैसे ही आते हो गैलरी के साइड में, तो काफ़ी यहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है। आइए और यहाँ पर तानसेन की खूबसूरती को देखिए एक बार। मोहम्मद गौस की दरगाह, टॉम ऑफ मोहम्मद गौस, 16th century 8। जैसे कि आप आते हो तानसेन के मकबरे में, ये मिलेगा आपको ये इमली का पेड़, जहाँ तानसेन जी खाते थे और इनकी आवाज़ मधुर हुआ करती थी। तो यही है वो तानसेन जी का पेड़, जो इमली का। तो आप आते हो नीम के पेड़ के वहाँ से, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे खूबसूरत से यहाँ पे कब्रें, जो संगीतकार थे यहाँ पर तानसेन के साथ साथ। और आगे और चलते हैं तो आपको आगे की ओर मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ भी कब्रें, तो यहाँ भी जो ही संगीतकार हैं तानसेन जी के साथ में थे ये लोग भी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे ही और आगे आते जाओगे तो यहाँ पर ये कब्रें दिखाई दे रही होंगी, तो ये कब्रें ये रही, और बाकी की ओर चल लेते हैं और आगे की ओर।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोहम्मद गौस का मकबरे में। तो ये वो मकबरा है मोहम्मद गौस का, यहाँ पर बनी हुई उनके अंदर की समाधि। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर देखने में। ये अंदर दरगाह बनी हुई है। तो दोस्तों मैंने बता दिया ये था मोहम्मद गौस का मकबरा, और सामने मिलेगा आपको ये तानसेन जी का मकबरा। तो यहाँ पर उनकी कब्रें हैं, यहाँ पर तानसेन जी की है और यहाँ पर है मोहम्मद गौस जी की। तो दोस्तों आप मोहम्मद गौस के मकबरे से चलते हुए आएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेड़ों के नीचे मिलेंगी दो कब्रें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आगे चलोगे जहाँ पर मिलेगी एक कब्र और। तो यहाँ पर पार्क खूबसूरती से बनाया गया है और काफ़ी अमेजिंग पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पर, और दोनों साइड में पेड़ लगाए हुए हैं। गैलरी बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पर, ब्यूटीफुल लग रही है। हम आ चुके हैं पीछे की ओर तानसेन के मकबरे की, जैसे कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर कबूतर जैसे कि उड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं मकबरे की। दादाजी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। और जो गुमटी पर कबूतर बैठे रहते हैं तो ये अलग ही अच्छा लगता है यहाँ का मकबरे का। दोस्तों हमने आज मकबरा घूम लिया है पूरा, हमने आपको बता दिया है पूरा, जैसे कि हमने पूरा कवर किया है सुबह के मॉर्निंग में, और काफ़ी अच्छे व्यू भी आया है। हमने पूरा पीछे तक का जितनी भी कवर थी यहाँ पे तानसेन मकबरे की हमने पूरा दिखा दिया है आप लोगों को, और यहाँ तक कि सामने बना हुआ है मोहम्मद गौस का मकबरा, यहाँ पर उनके अंदर कवर है, और तानसेन की कवर हमने आपको बता ही दिए। और यहाँ पर खूबसूरती के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं पक्षी कबूतर, उनको लोग वाग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उनके लिए दाना डालने का इंतजाम भी करते हैं, तो यहाँ पर दाना डाल देते हैं और कबूतर के लिए, तो ये कबूतर यहीं रहते हैं। आप तानसेन मकबरा आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप लोग पार्क का भरपूर इंजॉय कर सकते हैं, टहल सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ भीड़ आती है, तो चले आइए तानसेन के मकबरे में, देखिए यहाँ का रूल्स और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान भी रखा गया है। तो अगर आप लोग मकबरा घूमना चाहते हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मॉर्निंग के सुबह ये 6 से 8 बजे तक खुलता है, और उसके बाद में शाम को ऑफ रहता है। और गुरुवार को आप लोग आते हो मकबरे के दर्शन करने तो यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ मिलने वाली है। सुबह 6 बजे से यहाँ पर दरगाह खुल जाती है, और बाबा जी यहाँ की पूजा करते हैं मकबरे की, तो लोहान वगैरह दी जाती है यहाँ पर। अगर आप लोग घूमना चाहते हो 6 से 8 के बीच में मॉर्निंग टाइम पर आ जाएं। है गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं अभी घर, हमने मकबरा पूरा घूम लिया है, तो हम चलते हैं घर की ओर। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये मकबरे की वीडियो पसंद आएगी, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर रोहित गौर ब्लॉग्स में। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब के लिए बाय बाय गाइस।